एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला, और ये कहावत इमरान खान के नए पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक फिट बैठती है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में आर्थिक कंगाली है, तो अब दूसरी तरफ यूएन ने अपने हर कर्मचारी को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान में उड़ान भरने से मना कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल यूएन ने ये फैसला तब लिया जब पाकिस्तानी पायलटों के फर्जी लाइसेंस का मामला सामने आया है। कई देशों ने तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए के उड़ान पर प्रतिबंध तक लगा दिया। यूएन ने अपने हर एक स्टाफ को चेताते हुए कहा है कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एयरलाइन से ट्रेवल नहीं करना है, क्योंकि पायलटों के फर्जी लाइसेंस होने की आशंका है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने यह दावा कर दिया है कि देश में एक बड़ी संख्या में पायलटों के पास लाइसेंस फर्जी है। और तो और पाकिस्तान की संसद ने भी माना है कि जब तक कोई तस्करी होती है तो उसमें एयरलाइन स्टाफ पकड़ा जाता है, और शायद यही वजह है कि यूएन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि एक सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की फर्जी लाइसेंस को लेकर जारी जांच के चलते पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एयर ऑपरेटरों के इस्तेमाल के लिए चेतावनी दी जा रही है, और ये एडवाइजरी पाकिस्तान के सभी कैरियर्स के लिए है। ये चेतावनी यूएन की सभी एजेंसियों, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएन शरणार्थी उच्चायोग, खाद्य और कृषि संगठन, यूएन शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन आदि सब पर लागू होंगे। आपको पिछले साल की घटना याद दिला दें कि जब मई के महीने में कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में विमान क्रैश हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस में फर्जीवाड़े और लापरवाही की पोल पट्टी खुल गई थी। यहां तक कि देश में उड्डयन मंत्री सरवर खान ने कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि पीआईए के करीब 40% पायलट फर्जी होते हैं। यही नहीं, इमरान खान की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये बात भी सबको पता है कि पीआईए स्टाफ पहले कई तस्करी के मामलों में पकड़े जाते रहे हैं। इससे पहले यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए को 6 महीने तक यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दी थी। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने यह फैसला पायलटों के फर्जी लाइसेंस सुरक्षा कारणों की वजह से लिया था। यूरोप के अलावा यूएई ने भी इस मामले पर सख्ती बरती है और पाकिस्तानी पायलटों की सही जानकारी मांगी है, तभी अपने यहाँ उसे प्रवेश देने को कहा था। इतना ही नहीं, फर्जी पायलटों को लेकर चर्चा में चल रही पीआईए को हाल ही में मलेशिया में शर्मसार होना पड़ा था, क्योंकि मलेशिया ने पीआईए के बोइंग 777 विमान को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया, वो भी मलेशिया के एक स्थानीय अदालत के आदेश पर। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी, फर्जीवाड़ों का पुराना इतिहास संजोए पाकिस्तान को इतनी सजा मिलनी जायज भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।